मूवी की शुरुआत 1979 में अलास्का के एक जंगल से होती है, जहां हम एक आदमी काल को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक अननोन पर्सन दिखाया जाता है जो किसी फ्रीक्वेंसी को चेक कर रहा होता है। तो वहीं हम काल को देखते हैं जो कि अपनी कार को लेकर शहर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वाली कार हवा में उड़ने लगती है और फिर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद काल कार से बाहर आकर उसे देखने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पे एक UFO है जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। अब उस UFO से बचने के लिए वो जंगल की ओर भागता है, पर वो UFO वहाँ भी आ जाता है और उसे अपने साथ लेके जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे मूवी के मेन कैरेक्टर आइजैक को देखते हैं। आइजैक नासा के JPL रिसर्च सेंटर में एरोस्पेस इंजीनियर का जॉब करता है। वहाँ पहुँचने पर आइजैक को अपने कंप्यूटर में सैटेलाइट से एक सिग्नल मिलती है, जिससे वो प्लूटो से आया हुआ सिग्नल समझता है। लेकिन जब उसका फ्रेंड बेक उसे चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि ये सिग्नल कनाडा से आ रहा है। अब आइजैक दोबारा अपने काम में लग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आइजैक अपने काम को लेकर काफी डिप्रेस रहता है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे अपनी ट्रीटमेंट के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है, जो आइजैक को उसके दिन भर के बिताए हुए टाइम को एक वीडियो डायरी की तरह शूट करने के लिए कहती है। जिसके बाद आइजैक वीडियो शूट करने अपनी सिटी के हिल्स के पास जाता है। वहाँ पे वो अपना वीलॉग शूट कर रहा होता है कि तभी उसे आसमान से एक मेट्रोइड जैसी चीज हिल्स के पास गिरती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद पुलिस वहां पे आ जाती है। लेकिन उन सब से पहले आइजैक वहां पहुंच जाता है और वहां पे उसे एक UFO दिखाई देता है और वो अपने कैमरा से इन सारी चीजों को कैप्चर करने का सोचता है। लेकिन तभी UFO अचानक से गायब हो जाती है। इसी बीच आइजैक के पीछे एक एलियन आ जाता है, जिसे देख वो काफी घबरा जाता है। फिर आइजैक उसे भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो एलियन वहां से चला जाता है। लेकिन इसके बाद आइजैक उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहां पे ब्लैकआउट हो जाता है। अब देखते देखते 3 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं आइजैक उसी हिल के पास होता है। वो वहां पे 3 दिनों से बेहोश पड़ा था और होश में आते ही वो सबसे पहले अपने कैमरे की फुटेज चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि एलियन उसे अपने UFO में लेके जा रहे थे। ये सब देख वो काफी डर जाता है और अपने हाथ पर एक निशान को नोटिस करता है और हैरानी से ही वो अपने घर चला आता है। वो अपने टीवी की ओर देखता है, तभी टीवी अचानक से गायब हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस वहां पे आ जाता है। तब आइजैक को लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है, इसीलिए अगली सुबह वो डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर आइजैक को उसके हाथ की एक्सरे दिखाती है और उसे बताती है कि उसके हाथ में एक फ्रैक्चर है, पर वो फ्रैक्चर बाकी लोगों के फ्रैक्चर से बिल्कुल अलग होता है, मानो जैसे किसी ने उसके हाथ को काट कर वापस पहले जैसे जोड़ दिया है। ये सारी बातें आइजैक के लिए काफी अजीब थी। अब आइजैक रोज की तरह अपने जॉब में चला जाता है, जहाँ पे वो बेक को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बताने की कोशिश करता है कि उसके अंदर एक स्पेशल पावर आ गई है। दरअसल वो पास रखे हुए ग्लास को गायब करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी तरफ से उसे गायब भी कर देता है, पर बेक अभी भी उस ग्लास को देख पाता है। इसके बाद आइजैक बेक को अपनी वीडियो दिखाता है जिसमें एलियन उसे लेके जा रहे थे, पर बेक फिर भी उस पर यकीन नहीं करता। इसीलिए आइजैक वापस अपने घर आता है और उस वीडियो को एलियन अबडक्शन का टाइटल देकर इंटरनेट पे अपलोड कर देता है। फिर देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद अगली सुबह एक न्यूज रिपोर्टर आइजैक को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करती है। अब इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर आइजैक से उसके कैमरे के बारे में पूछती है कि आखिर उस वक्त वो कैमरे के साथ वहां पे क्या कर रहा था। इसके बाद आइजैक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बताने की कोशिश करता है कि वो अपना डेली वीडियो शूट कर रहा था। इसमें रिपोर्टर आइजैक को बोलती है कि वो नासा के JPL में कंप्यूटर इंजीनियर है, तो हो सकता है कि ये वीडियो उसने खुद ही बनाया होगा, जैसे आजकल इंटरनेट पे क्रिएटर बनाते हैं वैसे, और वो रिपोर्टर वहां से चली जाती है। जब आइजैक वापस घर आता है, तब वो न्यूज में देखता है कि मीडिया वाले इस वीडियो को फेक बताते हैं और कहते हैं कि आइजैक ने फेमस होने के लिए वीडियो क्रिएट किया है। वो इन सारी चीजों से परेशान होकर इंटरनेट पर उन लोगों को सर्च करता है जिन्हें लगता है कि वो एलियन से मिल चुके हैं। थोड़ी देर के बाद आइजैक को वहाँ एक लड़की सारा का कमेंट मिलता है, जिसमें सारा ने भी वही चीज लिखी होती है जो आइजैक के साथ हुआ था। इसीलिए आइजैक उसे मैसेज कर एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और जब सारा वहाँ आती है, तब आइजैक उसे अपनी वीडियो दिखाता है और हिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है जिसमें UFO होते हैं। सारा फिर आइजैक को काल के अबडक्शन के बारे में बताती है
रही है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और आगे बताती है कि उसने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किया था इस इंसिडेंट को बताते वक्त, और उस इंसिडेंट के बाद अचानक से काल गायब हो गया था। दोनों भी अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं ताकि एक दूसरे को कॉन्टेक्ट कर सके। इसी दरमियान आइजैक की मुलाकात एक राइटर से होती है जो उसकी स्टोरी लिखने में इंटरेस्टेड होता है, इसीलिए वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी दे देता है। अगले दिन आइजैक उस राइटर के पास जाता है जो उसे एक लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए कहता है जिसे सभी लोगों को उसकी स्टोरी पर यकीन हो जाए, और उस लाई डिटेक्टर टेस्ट में आइजैक पास कर जाता है। फिर वो राइटर कुछ समय के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसके जाते ही वहाँ पे गवर्नमेंट के दो एजेंट्स आते हैं जो आइजैक को पकड़ कर लेके जाते हैं। जब आइजैक को होश आता है तो वो दो एंड्रॉइड रोबोट उसे एक सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाकर कैद कर देते हैं, और वो एंड्रॉइड सारा को भी वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन उसे दूसरे रूम में रखा जाता है। अब आइजैक के सामने एक टीवी रखी होती है जिस पर एजेंट ग्रेव्स आइजैक से कहता है कि उसे उसकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। इसके बाद वो उसे कुछ डिवाइस पर आइजैक को फोकस करने के लिए कहता है ताकि आइजैक के अंदर जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, वो उसे पता लग सके। ग्रेव फिर आइजैक को काल की एक फोटो दिखाता है और उसके बारे में पूछता है, जिस पर आइजैक कहता है कि उसे उस काल के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर आइजैक ग्रेव को सारा के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रेव उसे कुछ भी बताने से इनकार करता है, और इसके बाद गुस्से में आइजैक अपने हाथ में लगे हुई पट्टी निकाल देता है। लेकिन तभी वहाँ पे वो दो एंड्रॉइड आ जाते हैं जिन्हें आइजैक बड़ी आसानी से मार देता है और सारा को छुड़ाने के लिए जाता है। सारा के मिलते ही आइजैक उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब तक ग्रेव सारे डोर्स लॉक कर देता है और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे एंड्रॉइड भेज देता है। अब आइजैक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डोर ओपन कर देता है, फिर सारा को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो देखता है कि ग्रेव ने उन्हें एक विलेज में कैद कर रखा होता है जो किसी और ही सिटी में है। दूसरी तरफ ग्रेव उन्हें पकड़ने के लिए दो एंड्रॉइड उनके पीछे लगा देता है। ये दोनों भी भागते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पे आइजैक एक लड़की से पूछता है कि क्या वो किसी एक ऐसे पर्सन को जानती है जिसके पास इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों हो, जिस पर वो लड़की आइजैक को जेड नाम के एक हैकर का एड्रेस देती है, जिसके बाद दोनों जेड के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। लेकिन इसी बीच एंड्रॉइड भी वहां आ जाते हैं, इसीलिए जेड उन्हें अपनी सीक्रेट जगह पे लेके जाता है जहां आइजैक जेड को काल की लोकेशन ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद जेड अपने कंप्यूटर से काल की लोकेशन ढूंढ लेता है जो कि कनाडा में होती है। और उस लोकेशन पे काफी कॉल करने के बाद आइजैक का वीडियो कॉल काल को लगता है। फिर आइजैक काल को बताता है कि उसे स्पेस में एक सिग्नल भेजा था जिसके बाद उसे एक डेटा रिसीव हुआ था। काल उसे उस डेटा को मांगता है, जिसके बाद आइजैक जेड को नासा के सर्वर से उस डेटा को डाउनलोड करने के लिए कहता है। फिर वो उस डेटा को काल को सेंड कर देता है, जिसके बाद काल उस डेटा को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करता है, जिससे सुनने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल एलियंस ने उन्हें भेजा हुआ था, जिसमें एलियन कहते हैं कि वो 5 दिन के बाद शाम को 4 बजे पृथ्वी पर आएंगे। काल अब आइजैक को उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेंकने के लिए बोलता है ताकि सीक्रेट एजेंसीज उन्हें पकड़ ना सके। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। आइजैक अब काल के पास जाने का डिसाइड करता है, लेकिन सारा वहाँ जाने से मना करती है। तब आइजैक किसी तरह सारा को वहाँ लेके जाने के लिए मना लेता है। फिर तीनों कनाडा के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेव्स को भी उनके कनाडा जाने के बारे में पता चल जाता है। अब पूरी रात सफर करने के बाद अगले दिन वो फाइनली कनाडा पहुंच जाते हैं और ट्रेन में बैठकर काल के पास जाने लगते हैं। वही रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए दो एंड्रॉइड्स वहां पहुंच जाते हैं। तब जेड आइजैक और सारा को मास्क देते हुए कहता है कि ये एंड्रॉइड उनका फेस देखकर उन्हें स्कैन करते हैं, इसीलिए वो उन दोनों को मास्क पहनने देता है। फिर वो एंड्रॉइड वहां से चले जाते हैं और सभी के फेस को स्कैन करने लगते हैं, जिसमें एक एंड्रॉइड को आइजैक के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो उसे शूट करने जाने वाला होता है कि तभी तीनों ठीक टाइम पर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद आइजैक और सारा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर एक एंड्रॉइड उन्हें पकड़ने के लिए ट्रेन के ऊपर चला जाता है, लेकिन पिलर के टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। थोड़े समय के बाद अब टैक्सी में बैठकर ये लोग काल के घर जाते हैं, लेकिन तभी काल उन्हें देख लेता है और गन लेकर बाहर आता है। काल उन्हें बताता है कि उनके हाथ पर एलियन ने एक डिवाइस लगाया हुआ है जिसे गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, इसीलिए वो अपने एक डिवाइस से उनके हाथ पर लगे हुए डिवाइस को ऑफ करता है, जिसे ग्रेव को उनका लोकेशन मिलना बंद हो जाता है। अब काल उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाता है जहाँ वो अपनी स्टोरी बताता है और वो अपना डिवाइस दिखाता है जिसे वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकता है, और ये सब बनाने में उसे 20 साल लगे थे। इसके बाद हमें एलियन आने के ठीक 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी काल के घर में बैठे होते हैं, लेकिन तभी आइजैक को फील होने लगता है कि एलियन
एंड यहाँ पे आ चुके हैं, इसीलिए वो अकेले ही घर से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक एलियन आइजैक के पीछे आ जाता है। तब आइजैक उसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या चाहते हो, लेकिन कुछ जवाब के बजाय वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी काल के घर में होते हैं, जहाँ पे वो एलियन भी प्रेजेंट होता है। काल फिर एलियन से बात करने के लिए डिवाइस को कनेक्ट करता है, जिस फिर एलियन उन्हें बताते हैं कि वो मेडिकल और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे लोग इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। ये लोग उन्हें क्राइस्ट का विजन दिखाकर उनके बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस यूनिवर्स का क्रिएशन में क्राइस्ट का बहुत ज्यादा योगदान है। फिर सारा उन्हें अपने हाथ में हो रहे पेन के बारे में पूछती है। तभी वो एलियन एक डिवाइस को सारा के हाथ पर लगाता है, जिससे उसका हाथ दो हिस्सों में बट जाता है। इसके बाद वो अपना ट्रैकर सारा के हाथ से निकाल देता है, और जब एलियन आइजैक के हाथ से ट्रैकर को निकाल रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्रेव अपने ऑफिसर्स के साथ आता है। इसके बाद काल बाहर आता है, तब ग्रेव उसे अपने फादर के बारे में पूछता है। दरअसल जब 1979 में काल के सामने वाले ट्रक को एलियंस ने हवा में उड़ाकर नीचे गिरा दिया था, तब उसी ट्रक में ग्रेव के फादर होते हैं, जो कि उस एक्सीडेंट के बाद गायब हो चुके थे। इसीलिए ग्रेव को लगता है कि काल ने ही उसके फादर को मार डाला है। काल उसे कहता है कि वो उसके फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर ग्रेव उनके बातों पर यकीन नहीं करता और उसे शूट करने के ऑर्डर देते हैं। लेकिन इसी दरमियान सारा काल को देख बाहर आती है, तब ग्रेव उसे भी शूट कर देता है। तभी एलियन आइजैक को उसकी पावर यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद आइजैक काल और सारा को वहां से उठाते हैं और जेड को गोली लगने से पहले ही सभी को बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और वहां से गायब कर देता है, जिसे ग्रेव और उसके ऑफिसर्स उन्हें देख ही नहीं पाते। अब एलियंस वहां आकर काल और सारा को अपनी पावर से वापस जिंदा कर देते हैं, और उसके तुरंत बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं। अब देखते ही देखते 6 महीने बीत गए होते हैं, जहाँ पे आइजैक और सारा दोनों रिलेशन में होते हैं। वही दूसरी तरफ जेड और काल अपनी सीक्रेट एजेंसी शुरू करते हैं, तो वही ग्रेव को उसके पोस्ट से निकाल दिया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।